खबरों के तह तक आपको ले जाते हैं हम, हर खबर से रूबरू कराते हैं हम, दुनिया की हर छोटी से छोटी खबर को आप तक पहुंचाते हैं हम। नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम दुनिया दरबार में। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारत भी अहम मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। जी हाँ, अमेरिका में पक्ष हो या विपक्ष, सभी भारत के साथ अपने संबंध सुधारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। मलेशिया में कोरोना के बढ़ते प्रसार के बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन ने सम्राट के सामने आपातकाल को लेकर प्रस्ताव रखा था, जिसे सम्राट के द्वारा ठुकरा दिया गया है। इसके बाद से ही मलेशिया में आपातकाल की घोषणा को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी की महिला नेता निक्की हेली ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को शरण देने के लिए आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अरबों डॉलर की सैन्य सहायता को रोकने के पीछे भी यही कारण है। संयुक्त राष्ट्रों में पूर्व अमेरिकी राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान ने शरण दिए हुए यही आतंकवादी अमेरिका सैनिकों की हत्या करने का प्रयास करते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान में चल रहा लंबे समय से मानवीय संघर्ष अब विराम अवस्था में आ गया है। 29 दिन तक जंग के बाद दोनों के प्रतिनिधियों ने सीज फायर के प्लान पर मुहर लगा दी है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी विदेश मंत्री के शांति समझौते में अहम भूमिका निभाने के लिए उनकी सराहना की है। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबर की ओर। अमेरिका चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में पहली बार है जब अमेरिकी चुनाव में भारत एक अहम मुद्दा बनकर सामने आया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेट, दोनों ही उम्मीदवार अमेरिका में रह रहे भारतीयों को लुभाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। चीन के साथ बढ़ती अमेरिका की दूरियां भी इसका बहुत बड़ा कारण है। दोनों पार्टी के उम्मीदवार लगातार अपने प्रचार में बार बार खुद को भारत का असली हितैषी बता रहे हैं। यही नहीं, दोनों ही उम्मीदवार भारत को लेकर एक दूसरे की सोच को कटघरे में खड़ा करते भी नजर आते हैं। इसी के तहत डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए आड़े हाथ लेते हुए उनसे भारत को गंदा कहे जाने पर प्रश्न पूछा है। इतना ही नहीं, जो बिडेन ने ट्रंप के द्वारा जलवायु के खराब स्तर पर दिए गए बयान को भी भारत विरोधी बताकर भारतीयों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे ने अपने एक इंटरव्यू में बिडेन के रवैये को लेकर कहा था कि अगर बिडेन सत्ता में आए तो वे चीन के साथ नरम रवैया रखेंगे, जो कि भारत के लिए किसी भी रूप में सही नहीं है। इस बीच डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से ट्रंप प्रशासन की H-1B वीजा देने की नीतियों में बदलाव का मुद्दा उठाकर भारत के लिए इसे संकट बताया है। उन्होंने कहा कि ये नीति दूसरे देशों की प्रतिभाओं के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद कर देगा और पूरी अमेरिकी इकोनॉमी को घाटा उठाना पड़ेगा। इन सभी मुद्दों के लगातार अमेरिका में उजागर करने के पीछे यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका में इस बार के चुनाव में भारतीयों को लुभाना अहम मुद्दा बन गया है। H-1B वीजा नीति का सबसे ज्यादा घाटा IT सेक्टर के भारतीयों को ही होगा। बता दें कि अमेरिका साल में जितना H-1B वीजा देता है उसका 70-75% भारतीयों को ही मिलता है। अमेरिका के इस राष्ट्रपति चुनाव में भारतीयों को लुभाने के लिए पार्टियां अपना एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। भारत के लिए ये एक अच्छी बात है कि अमेरिका जैसी विश्व शक्ति में बेहद अहम चुनाव में भारतीयों को लुभाने के लिए पक्ष हो या विपक्ष, एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी में बस इतना ही। मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।